सुदृढ़ एवं नर्सिंग शिक्षा स्वास्थ्य विभाग पक्ष आरंभ होगा पदक्षेप। नर्सिंग पढ़ा चाहूबा छात्र छात्री को देवाक पड़ नीट परीक्षा आसंता शिक्षा वर्ष लागू। प्रियंका सहित सुरट गस्तरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सांधिया मानहानि मामलें दुई वर्ष दंडादेश विरोध में सुरट कोर्टे करेंगे अपील से वीडियो जारी करी परस्पर को टार्गेट कले बीजेपी और कांग्रेस। राजधानी में पुणि गर्जिले शिक्षक ठिका निजुक्ति उच्छेद दावे हाईस्कल चुक्तिभित्तिक शिक्षक संघर आंदोलन दावी पूरण होगा पर्यंत आंदोलन जारी रखा चेतावनी। क्रिकेट मैच रे हत्या घटना रे आउती निगिरफ चौतार बरहमपुर गांव को गांव गिरफ कला पुलिस गतल मैच फेर रणक्षेत्र पलटिता क्रिकेट पड़िया युवकों हत्या मामलों में अभियुक्त संग्राम को गिरफ। सातदिनिया जापान गस्तरे मुख्यमंत्री टोक्यो पुंजनिवेश सम्मेलन में देवे जोग ओडिशा रे पुंजनिवेश नहीं जापानी उद्योगों करे आलोचना टोक्यो रे ओडिया समुदाय सहित करे आलोचना। सुदृढ़ हेब नर्सिंग शिक्षा एथिपाई स्वास्थ्य विभाग पक्ष पदक्षेप आरंभ होणिक नर्सिंग पढ़ा चाहूबा छात्र छात्री को नीट परीक्षा देवाक पड़ डाक्तरी पाठ्यक्रम भली बीएससी नर्सिंग पढ़ा हेले जातीय स्तर में होता नीट परीक्षा देवाक आसंता शिक्षा वर्ष लागू करे नीट पास कले पढ़े नर्सिंग एवं विशेष भाव में वर्तमान समय किसी गुरुत्वपूर्ण सूचना आम आपण रखा जाऊँ ओडिशा एक सरकारी एनटीसी एवं आठटी नर्सिंग कॉलेज रोचे ढेंकानाल कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर सुंदरगढ़ नर्सिंग कॉलेज रोचे आठटी नर्सिंग कॉलेज रे बीएससी नर्सिंग सीट संख्या 750 रोचे एक एएनटीसी रे प्रतिवर्ष 840 छात्र छात्री नाम लिखाई था। राज्य में खाली पड़ा नर्सिंग पदवी पूरण उद्यम आरंभ हो 2021-22 सुधा 28,295 मंजूरी प्राप्त पदवी रही या मध्य 16,306 पदवी खाली पड़ा 2023 7,384 पदवी पूरण पदक्षेप नि आ 8,922 पदवी एवं भी खाली रही नियुक्ति होगा नर्स क्षेत्र में चॉइस लॉकिंग व्यवस्था चयन परीक्षार मार्क आधार में निज इच्छा हॉस्पिटल चयन करें। कोविड समय ड्यूटी करुवा नर्स को 5% अतिरिक्त मार्क देवाई निष्पत्ति ग्रहण कर। तेज नर्सिंग शिक्षा सुदृढ़ होगा जाऊँगी स्वास्थ्य विभाग पक्षर आरंभ कर नुआ पदक्षेप नर्सिंग पढ़ा चाहूबा छात्र छात्री एथरक नीट परीक्षा देवे नीट परीक्षा जदि पास करुंटे नर्सिंग पढ़ीपारे छात्र छात्री आसंता शिक्षा वर्ष नियम लागू करे नर्सिंग शिक्षा को आहरी सुदृढ़ करतमान समय सरकार स्वास्थ्य विभाग पक्षर नुआ पदक्षेप ग्रहण कर नर्सिंग पढ़ा चाहूबा छात्र छात्री को नीट क्लियर करने पड़े जदि नीट से क्लीयर करुंटे आगामी समय से नर्सिंग शिक्षा ग्रहण करें आसंता शिक्षा वर्ष विशेष भाव में लागू होम जहाँकि वर्तमान समय चर्चा आलोचना करशार एक सरकारी एएनटीसी आठटी नर्सिंग कॉलेज रोचे ढेंकानाल कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर सुंदरगढ़ नर्सिंग कॉलेज रोचे आठटी नर्सिंग कॉलेज रे बीएससी सीट संख्या 750 रोचे एक एएनटीसी प्रतिवर्ष 840 छात्र छात्री नाम लिखाई था। राज्य में खाली पड़ा नर्सिंग पदवी पूरण उद्यम आरंभ हो 2021-22 सुधा 28,295 मंजूरी प्राप्त पदवी रोचे या मध्य 16,306 पदवी खाली पड़ा 2023 7,384 पदवी पूरण पदक्षेप नि आ 8,922 पदवी एवं भी खाली रही नुआ निजुक्ति होगा नर्स क्षेत्र में चॉइस लॉकिंग व्यवस्था रही चयन प्रक्रिय मार्क आधार में निज इच्छा हॉस्पिटल चयन करें जो मैंने परीक्षार्थी रोचा कोविड समय जो मैंने ड्यूटी कर नर्स मान 5% अतिरिक्त मार्क देवाई निष्पत्ति ग्रहण कर। आज सबुठ बड़ खबर जहाँकिना को आसूरी जदि नर्सिंग पढ़ापी छात्र छात्री इच्छुक अच्छा नीट परीक्षा से क्लीयर करने पड़ो एवं नीट परीक्षा क्लीयर करने ही से नर्सिंग पाठ पढ़ी पारे अर्थात अधिक मात्रा रे नर्सिंग शिक्षा को सुदृढ़ करने सरकार यह निष्पत्ति ग्रहण कर
जेते मात्रा रे पिला माने अधिक पाठ पढ़े सेते मात्रा रे से माने आउरी अधिक शिक्षा ग्रहण करिवे जहाद्वारा जो माने रोगींकर सेवा करिवे से क्षेत्र रे आहुरी उन्नति परिलक्षित होई पारिबो एवं एथिपाई सुदृढ़ करा जाउछि नर्सिंग पाठ को स्वास्थ्य विभाग पक्षरु पदक्षेप नै आरंभ करा जाइछि निया जाइछि जा कोआ जाउछि कि छात्र छात्रि को नीट परीक्षा देवा पई पड़िबो नीट परीक्षा क्लियर करिवे परवर्ती समय रे छात्र छात्रि माने नर्सिंग पाठ पढ़ी पारिबे आसंता शिक्षा वर्ष रु ए नियम को लागू करा जाय पारे ओडिसा रे 21 टी सरकारी एएनटीसी एवं 8 टी नर्सिंग कॉलेज रहउछि जा कोआ जाउछि कि 8 टी नर्सिंग कॉलेज रे बीएससी नर्सिंग सीट संख्या 750 रहउछि डेंकानाल कोलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर एवं सुंदरगढ़ रे नर्सिंग कॉलेज रहउछि 8 टी नर्सिंग कॉलेज रे बीएससी नर्सिंग सीट संख्या 750 रहउछि 21 टी एएनटीसी रे प्रतिवर्ष 840 छात्र छात्री नाम लेखाई थांती तासत जदि आमे देखिबा राज्य रे खाली पडितबा नर्सिंग पदवी पूर्ण पई उद्यम वर्तमान समय रे आरंभ करा जाउछि 2021 22 तथा 28295 मंजूरी प्राप्त पदवी रहउछि एया मतरे 16306 पदवी खाली पडितला 2023 रे 7384 पदवी पूर्ण पई पदक्षेप नेया जाइतला आउरी 8922 पदवी एबे बी खाली रहिछि नुआ नियुक्ति एबाकु तिबा नर्स को क्षेत्र रे चॉइस लॉकिंग रो व्यवस्था करा जाउछि एवं विशेष भाव रे हम जो देखिबा चयन परीक्षा रो मार्क आधार रे निजो इच्छा रे हॉस्पिटल चयन करि परिबे मार्क को आधार करि ही छात्र छात्री निजो इच्छा रे चॉइस करि परिबे हॉस्पिटल कोविड समय रे जो माने ड्यूटी करिसेंती से नर्स मानन को 5% अतिरिक्त मार्क बा पई निष्पत्ति ग्रहण करा जाउछि तबे नीट पास कले नर्सिंग पढ़ी परिबे एणिकि छात्र छात्री समरंजन चौधरी आम कटक प्रतिनिधि वर्तमान समय आम सहित जोड़ी होती समय आप जाना चाहिए वर्तमान समय आहुरी नर्सिंग शिक्षा को सुदृढ़ करने सरकार निष्पत्ति ग्रहण कर विशेष भाव में जब कह नीट जदि पास करुंट छात्र छात्री एणिकी नर्सिंग से पाठ पढ़ी पारे ते विशेष भाव में नीट परीक्षा जदि छात्र छात्री दौंती आगामी समय से पास करुंट नर्सिंग पढ़ुंटे क्योंठ ना क्योंकि शिक्षार मान बढ़ जार प्रभाव चिकित्सा क्षेत्र में देखा मिल जो मैंने नर्सिंग रोचान दायित्व में रोच रोगी सेवार ता क्षेत्र में उन्नति परिलक्षित हो निहाती भाव सौम्य आप जो शेष धाड़ी कहले शिक्षार मान बढ़ निहाती भाव यार प्रभाव रोगी सेवा पर देखा पड़ो कहीं जदि पाने दक्ष हो आसबे तेज निहाती भाव जो डाक्तर रोगी चिकित्सा कै से ही समय किसी कम गुरुत्वपूर्ण कम नर्स द्वारा होता है तेणु नर्स भूमिका से बहुत गुरुत्वपूर्ण था तेणु बोध हुए यह नजर रखी आगामी शिक्षा वर्ष नर्सिंग पिला नीट एग्जाम मार्क अनुजाई से माने निजर कॉलेज चयन करेंगे निजर हॉस्पिटल चयन करेंगे तेरे पूरा नुआ व्यवस्था केमती रहा एवं नर्सिंग पिला माने नीट परीक्षा कहीं देते और परीक्षा देवा फल से क्यारिये कौन भल हेबा को क्यारिअर अपरच्युनिटी कौन अधिका मिल एने आम सविशेष आलोचना करवा बर्तमान आम अच्छे राज्य जनाशुना प्रतिष्ठित अश्विनी नर्सिंग कॉलेज जोठे नर्सिंग पिलाने अध्यापक माने अच्छा प्रिंसिपल अच्छा आम पिलाठ प्रथम जाणी ना जो नर्सिंग पिलाने जदि नीट एग्जाम दौरान तेज से क्यारिअर प्रति केमती इफेक्ट पड़ो कौन भावुंत नीट एग्जाम देवा द्वारा क्यारिअर टी बेटर रहा ना क्यारिअर अप्सन ये पिला प्रति भल हम कारण नीट देखिए आसे पे कि नलेज भी गेन करें फ्यूचर मान भी बेटर हम तो मो तरफ नीट क्वालिफाई करेंगे नीट एग्जाम देखिए आसवा बहुत बेटर हम कहीं आम ये आसला जमी नर्सिंग मैंने गोटे डिजिज रहा ट्रिटमेंट केमती हम आम जापर से आस भलसे बुझीपर जापर मुझे नीट एग्जाम देखी क्वालिफाई करी बीएस नर्सिंग कले बहुत भल हम ताद्वारा कि मैंने नर्सिंग को लेकिन किसी अधिका नलेज आगो को ट्रीटमेंट भी से बहुत भलसे करेंगे तो बेटर रीट एग्जाम क्वालिफाई कर नर्सिंग पढ़ले नलेज टी अधिक र जहाँ से स्टूडेंट हिसाब से जो कहते तेज ट्रीटमेंट बेले दक्ष नर्स रे तेज प्रिंसिपल आम सहित अच्छा आम तक सहित आलोचना करवा सर आगे से जो नर्सिंग बच्चे रहेंगे उनको एनआईटी क्लियर करना पड़ेगा तो ये उनके लिए कैरियर के लिए कितना अच्छा रहेगा और इसमें क्या फ़ायदा रहेगा आपके हिसाब से एक्चुअली नमस्ते सर प्रिंसिपल ये नीट एग्जाम बहुत ज़रूरत है
ओके कारण ये हमारा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये पिल्ला में एडमिशन टाइम में ओके वो ज़्यादा एरिया से आ रहे हैं वो हमारा ये नर्सिंग है सिमिलर टू ए एमबीबीएस का टाइम है टाइप है तो ये बच्चों वो पिल्ला कैरिंग के लिए वो नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है वो टाइम हम लोग को कुछ ओके क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कारण ओके पहले इंटरेस्ट नीट एग्जाम है ना ओके ये एंट्रेंस है ना बच्चों एलिजिबल बच्चों दैट मीन्स क्वालिफाइड स्टूडेंट्स दे विल सेंड टू द कॉलेज सो हमारा व्हेन वी आर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स इट विल अल्टीमेटली इट विल वेरी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स सो इसी का कारण है नीट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है कारण ओके पेशेंट कैरिंग एंड ए प्लस टू मार्क्स ओके ये वाला जनरल है बट ये नीट एग्जाम वो डिसाइडिंग फैक्टर ये बच्चों एलिजिबल फॉर नर्सिंग इन फ्यूचर ये बच्चों का वो क्या कैरियर में बहुत यूजफुल है जहाँ शुणुले कि नीट निहत रूप यूजफुल हम क्यारिययर पर कहीं एमबीएस गोटे हाफ डिग्री कहुए आपड़ देखते नीट एग्जाम जो रही है मानप यूजफुल हम ना ना स्टूडेंट तो मुझे कहबी सीरीयसली नीटा बहुत ही यूजफुल हम बिकज गोटे स्टांडार्ड आसीगला एबे आमे कहीपर नाउ वी आर अ स्टांडर्डाइज नर्सेस कहीं आगुरु एमती थी मार्क बेसीस होता प्रॉपर एग्जाम किसी ना एम सिलेक्शन मार्क बेसीस होता केवल एम एस सी नर्सिंग टा एग्जाम थिला एबे ग्रेजुएशन रू से एग्जाम देके आसी माने से प्यूरीफाइड पूरा छाणी होके आसवे जहाँफल कि आग को से जहाँ भी पढ़े से एग्जाम पैटर्न जहाँ भी हम से आग केयर जहाँ भी करेंगे गोटे गोटे क्वालिफाइड स्टैंडर्ड नर्सेस हिसाब से बहुत ही बेटर केयर दे पारे मोर आशा अच्छे जहाँ शुणु रिएक्शन क्वालिफाइड स्टैंडर्ड बेटर नर्स अर्थात कौट ना कौट टैलेंट बाछी आसवा दरकार नीट एग्जाम बेस गुरुत्व बहन करीट एग्जाम क्वालिफाई कर नर्सिंग पढ़वार गोटे भिन्न कौन देखु कौन बेटर यहाँ ऑब्वियसली इट इज बहुत ही बेटर बिकॉज माने आमे जो डिजीज ऊपर बेसी फोकस आसबा आउ पेशेंट मानंकर माने इंप्रूवटा बहुत ही ग्रोथ करबो आपण कोन देखछन नीट एग्जाम क्वालिफाई करी एमबीबीएस हाँ नीट एग्जाम देखी एटके आसीले बहुत भल हबो माने जते क्वालिफाइड जेमते की मैम कहले बहुत बाछी बाछी की पिला माने आसीबे तो मो तरफ रु बहुत भल हबो नियत रूपे जहां मे गोटे ओवरऑल रिएक्शन सुनतले की स्टूडेंट्स माने मध्ये कहउछन्ती बेस्ट बेटर हबो नियत रूपे पिला माने किछ अधिक जानबा को पाइबे एवं प्रिंसिपल कहउतले एवं जे लेक्चर होइछन से माने मध्ये कहउतले की पिला बाछी आसीबे एवं पिला बाछी आसिया जको जेतु एमबीबीएस रे गोटे अधा डिग्री बोली काउंट कराउछ काईना ए माने भी तो नर्स ए माने भी डाक्टर क भली से जो चिकित्सा कार्य सहयोग करल जो टैलेंट बाछी आम गोटे नर्स जो भविष्य में विभिन्न मेडिकल कॉलेज नर्स पाइबे से टैलेंटेड एफिशिएंट अधिक सुदृढ़ शिक्षा क्षेत्र में एक नुआ माइल खुंड स्थापन भुवनेश्वर हाइटेक रु जोड़ी होती अनुज और कटक प्रतिनिधि सौमरंजन चौधरी सहित जोड़ी होती अनुज आप जानवा नीट क्लियर पड़ छात्र छात्री नीट पास करने नर्सिंग पाठ पढ़ी पारे यार भितर आप देखते चिकित्सा क्षेत्र आगे जब कारण जो जो नर्सिंग पढ़ुं छात्र छात्री मैंने नीट परीक्षा क्लीयर करके आगे आसवे से हिसाब से कलेज चयन करेंगे मार्क देखिक तेज यार भितर चिकित्सा क्षेत्र आते आगे जब सोमिया जदि आम चिकित्सा क्षेत्र कथा कह स्वास्थ्य सेवा कथा कह जाए कि स्वास्थ्य सेवा जोगे दिया जाए किंतु जे व्यक्ति से नर्स हूँ डॉक्टर हूँ जो माने भी स्वास्थ्य क्षेत्र अच्छा से माने ठीक भाव में सेवा विषय बुझी नथियो स्वास्थ्य विषय बुझी नथियो से माने सेवा जोगाइबा हुए तो अनेक जगह समस्या हुए सेतपे आम देखीछु कि अनेक समय रे जेतले स्वास्थ्य व्यवस्था जोगाइबा पई कोनोसी डाक्टर टीम जानती हुए तो समस्या थाय कारण से माने सेति जदि एक्सपर्ट हे नथिबे किंतु एबे नीट हेला परे नीट उत्तीर्ण हेला परे एमा सेती एक्सपर्ट हो पारे आम सहित जो छात्र छात्री अच्छा फैकल्टी अच्छा प्रिंसिपल ये समस्त होती हाईटेक नर्सिंग कॉलेज रो सबू छात्र छात्री और फैकल्टी एम मन में प्रश्न ही आस जदि से व्यवस्था टी आरंभ होट र्यवस्था टी आरंभ हम आसंता शिक्षा वर्ष अंत सुविधा हो भल भल छात्र छात्री माने जो माने दक्ष थे जो माने जानी थे जो माने जानी पे आग्रह होते से माने आसी पारे तो आम सहित तो प्रिंसिपल अच्छा प्रिंसिपल मान सहित कथा जानवा कि ये व्यवस्था शिक्षा वर्ष लागू हेले केते लाभदायक तांको स्टूडेंट मैडम आपको केते लाभदायक हो पारे आपखे से स्टूडेंट आस नीट उत्तर नहीं एक्चुअली हाईटेक नर्सिंग स्कूल एंड कॉलेज डिफरेंट नर्सिंग कोर्स गुडाक इंपार्ट कर
ता भितर आमर एनएम जीएनएम बीएस बेसिक बीएससी पीबी बेसिक बीएससी एमएससी कोर्स जाक रहुची अन्य एनएम जीएनएम बीएससी एनएम जीएनएम पीबी बीएससी एंड एमएससी यही सब कोर्स जाक तो एज यूजुअल जमी क्राइटेरिया थिला एडमिशन प्रोसीजर से किसी बदलनी किंतु बेसिक बीएससी नीट हो जाए तेणु पिलाने नीट थ्रो रे क्वालिफाई करके आसवे पढ़ापे सुविधा हम पाने भल नलेज नहीं आसवे कहीं ना बहुत कोचिंग नहीं कि बहुत केते स्टेप्स नहीं कि आसती नीट क्वालिफाई करती ये इजी नुहे नीट क्वालिफाई करवा सो नीट क्वालिफाई स्टूडेंट्स नेचुरली इफ यू विल गेट सो इट इज आवर प्राउड नीट क्वालिफाई करके आसले छात्र छात्री मैंने जो मैंने टीचर थे भल हम कि जो छात्र छात्री मैंने अच्छा से मन में से प्रश्न आसो कि आगामी दिन जो पीढ़ी आसवे से मैंने के दक्ष हे जो मैंने आगामी दिन पीढ़ी आसवे के दक्ष हे आप अनुमान करीट उत्तीर्ण करके आसवे हाँ उन लोग के लिए तो ये बेनिफिट होगा क्योंकि एक तो क्वालिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन मतलब जनरल नॉलेज हुआ तो फिर भी वो एक मार्क्स इतना मिला तो फिर ही उन लोग यहाँ पे आ सकते हैं तो इट इज़ बेनिफिटेड फॉर द स्टूडेंट्स और एक मौका मिलेगा कि वो खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे कौन से कॉलेज हाँ वो अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स दे कैन चूज देयर कॉलेजेस ऐसे बहुत होते हैं कि बहुत पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं बट दे डोंट हैव द एजुकेशन दैट्स व्हाई दे कांट चूज द करेक्ट कॉलेज तबे एमती ही परबे कि पैसा मो पाखर थाउ न थ जदि भल पढ़ू छी भल कॉलेज रे एडमिशन कर पेली हाँ अगर उसके पास वो नॉलेज हो वो नॉलेज के वजह से ही उसका रैंक आएगा ना अच्छा तो कॉन्सेप्ट अगर पहले से क्लियर होगा ऐसे हमारा जो सोसाइटी है वहाँ पे सोचते हैं कि नर्सेस मतलब इंजेक्शन दे देगा बट वो नहीं है हमको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है तो पहले से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ पे आगे तो बहुत बेनिफिट होगा ना कितने बेनिफिट हो 100% कितने बेनिफिट हो पूरा 100% बेनिफिट होगा क्योंकि नीट क्वालिफिकेशन स्टूडेंट ओडिया पूरा 100% ही बेनिफिट हो पार कहीं नीट क्वालिफिकेशन स्टूडेंट ऑब्वियसली नॉलेज नहीं कि आसवे नर्सिंग रे से मानकर टिके नॉलेज भी थी जे नर्सिंग रे कौन कौन सब्जेक्ट अच्छी कौन कौन पढ़ा हुए ये सब तो यहाँ पर जो बैच आसुचंती जो मैंने आपंकर जूनियर हे आगामी दिन में आप सहित कम करेंगे जो मैंने नर्सिंग लाइन में से मैंने क्वालिफाइड आसवे तो लगुच गोटे भल टक्कर हम आगामी दिन में कंपिटन सियोर 100% सियोर भल टक्कर हम गोटे नीट हूँ नीट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड एंड यहीपाई जो आगर सब डॉक्टर मान खाली होता यहाँ एबा नर्स मान भी लागू है तो यहाँ बहुत खुशी कथ कंपिटिशन लेवल आहरी बढ़ी जी ऑब्वियसली बढ़े कहीं देख सर बर्तमान जो नर्सिंग जो डिमांड बढ़ुँच तो से आम जानते कि नहीं आम नर्सिंग पढ़ू कि मैंने डॉक्टर से मैंने डॉक्टर साइड अवस्थ रही है कि बर्तमान जो नर्सिंग रो डिमांड रही है तो आगर जो सब आसते हाँ आम नर्सिंग पढ़ू ये करूँ सी करूँ कितु किसी लाभ हो ना तो बर्तमान समय जो मैंने नीट एग्जाम देखिए आसवे थोड़े कन्फिडेन्स बढ़े जो ना मो जिनसा जानवे जिनसा कौन हो नर्माली इंजेक्शन दिह खाली तो नर्माली इंजेक्शन दिहबनी तो ताप्रति विभिन्न प्रकार अच्छी इंजेक्शन विभिन्न प्रकार अच्छी तो जिनसा से पाठ पढ़े बुझे जिनसा बुझे तो डॉक्टर जो कहे जिनसा ये करवाई भी जिनसा जापर कहीं जिनसा कहले तो से धीरे धीरे मैंने डिमांड बढ़ी जेहतु नर्सिंग नीट रही कर बहुत खुशी आम सब भी आम टक्कर देखें राजी कहीं आम पाठ पढ़ू आम भी ये कंपटीशन लेवल एवं जो मैंने नर्सिंग पढ़ुंटी जो मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट अच्छा और जो मैंने आगामी दिन में भीतर मुकाबला निहाती हम पाठ क्षेत्र में निहाती 100% हम से मैंने भी नीट देक आसवे जेहतु से नलेज आहरी बेस थी स्टेप बै स्टेप से पढ़ी पढ़ की आस सौम्या जमी कहूँ कि स्वास्थ्य सेवे नर्स एक बहुत बड़ भूमिका रही तो से गुरु दायित्व बढ़ी जाते भल क्वालिफाइड छात्र छात्री मैंने आसपे स्वास्थ्य सेवे आहरी अनेक सुधार आसो भाव में जो कथा अनुज आप आलोचना करते जिते अधिक क्वालिफाइड नर्स आसवे से अधिक स्वास्थ्य सेवे उन्नत परल्लखित हम आम सहित सौम्यरंजन अच्छा सौम्यरंजन आपंठ आउ गोटे जिन क्लीयर करने चाहिए जो कथ कह कि कोविड समय ड्यूटी करुवा नर्स को 5% अधिक मार्क देवाई निष्पत्ति ग्रहण कर तेज यार भितर गोटे कन्फ्यूजन रोचे कि नीट पास कले पढ़े नर्सी छात्र छात्री कि अंपटे कोविड रहा तेज जो छात्र छात्री मैंने अलरेडी नर्स अच्छा सेट क्लीयर कर आवश्यकता रही है।
ନିହାତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦିଓ ସେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିନି, ତେବେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ସାର୍ ଆପସେ ଜାଣିନା ଚାହେଁଗେ କି ଅଭି ଜେସେ ଅଗଲା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷସେ କି ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରକେ ନର୍ସ କା ପଢ଼ାଇ କର ସକତେ ହେଁ, ଲେକିନ କୋଭିଡ କେ ସମୟ ଅଲରେଡ଼ି ଯୋ ଲୋକ ନର୍ସ ହେଁ ୟା ଫିର ଅଭି ସେ ଯୋ ଲୋକ ନର୍ସ ହେଁ ବିନା ନିଟ୍ କେ କ୍ୱାଲିଫାଇ, କ୍ୟା ବୋ ଲୋକ ରହେଁଗେ ୟା ଫିର ଉନକୋ ବି ନିଟ୍ କ୍ଲିୟର କରନା ପଡ଼େଗା? ନୋ ସାର୍, ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ ଓକେ, कोविड टाइम कौन कौन नर्स क्वालिफाइड है वो कर ले, बिकॉज ऑल नर्सेस आर क्वालिफाइड। एक ओनली थिंग क्या ना, प्री फिल्टरिंग आफ्टर जॉइनिंग नर्सिंग है ओके, नीट जरूरत है वो क्वेश्चन नहीं है। बिफोर जॉइनिंग नर्सिंग है नीट जरूरत है और जरूरत है आफ्टर, बिकॉज वो नर्सिंग है ना बिफोर 100 ईयर्स नर्सिंग कोर्स इज रनिंग ओके, सो दैट टाइम नीट नॉट देयर। सो करंट ओके नीट इज नेसेसिटी क्या ना ओके, बिकॉज बिफोर ज्वाइनिंग नर्सिंग में वो दे नीड इंटरेस्ट एंड द क्वालिफाइड इन इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ नॉलेज मस्ट इम्पोर्टेंट। तेज जहाँ शुणुते कहवा कथा पूर्व जेहे से नर्स जो मैंने जितेबाला जहाँ कोर्स से क्लीयर करवाफाइड से कम कर अभिज्ञता अच्छी बर्तमान समय आउट के सुदृढ़ करने बर्तमान जो नुआ सिस्टम आसट क्वाफाए करेंगे तबे ताहा को वर्तमान जो माने पिला माने आछने से माने पर परे नियाति भाबरे जों कथा को माने नीट पास करबे परवर्ती समय नर्सिंग पढ़ी परबे छात्र छात्री आहुरी स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढ़ होय पंग जहां की हम स्वास्थ्य व्यवस्था को आहुरी पादे आगो को नै जो। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद समरंजन, आपनकर तमाम सूचना पे हम से आलोचना करले हम प्रतिनिधि अनुज एवं समरंजन। दुबई जीपे मिशन शक्ति ज्योतिरेखा चेटी, कोरापुट जिला मिशन शक्ति सभानेत्री ज्योतिरेखा को विमान जोगे दुबई जावाई मुख्यमंत्री भुवनेश्वर टिकेट देखते आसंता मे 15 तारीख से दुबई जीवे ज्योति, एथपाई से खूब उत्साहित अच्छा। मिशन शक्ति सशक्तिकरण में उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण करूग मिलूँ। कोरापुट जिला डुमरीपुट हाटपदा अंचल ज्योति 2002 सदर ब्लक पद्मपुर पंचायत हाटपदार 10 जन महिला स्वयं सहायक गोष्ठी गठन करते निजे सफल होगापर निज पंचायत 21 वार्ड्रे पखापाखि 250 स्वयं सहायक दल गठन कर 3000 अधिक महिला से स्वावलंबी करसत विभिन्न सरकारी योजनार ठिक रूपातरण से महिला सचेतन कर ज्योतिरेखा चटी मिशन शक्तिर सभानेत्री वर्तमान समय आम सहित जोड़ी होती। मैडम आपन को स्वागत करुच्छे कनेक्ट न्यूज को, विशेष भाव में आपन को अनेक अनेक शुभेच्छा जनवाई चाहूँगी। प्रथम एवं जड़े महिला हिसाब से आपन इते आगो को आसी एक छोटिया संस्था वर्तमान समय आपन 3000 लोक कर्म निजुक्ति पार्टी वर्तमान समय आपन दुबई मध्य जाउछंती केते उत्साहित अछंती? मैडम मुझे एत उत्साहित, मैडम प्रथम नमस्कार, मो ना ज्योतिरेखा चेटी, मो मिशन शक्ति जिला सभापति कोरापुट। मैडम आप कहले मुझे दुबई जावा कथा, हाँ मैडम प्रकृत सत माननीय मुख्यमंत्री मुझे धन्यवाद देवी, मानने मुझे स्वप्न भाव नी मोर गाँ है कोरापुट जिलार डुमरीपुट गोटे छोट गाँ से मैंने से आसिक आज मिशन शक्ति जिला सभापति भाव मैंने परिचित हैली। तापर दुबई जावाई जो मत मोर नाम नोमेट है मतलब फोन कले मुझे विश्वास कर पारे ना मैडम, मैंने एत आश्चर्य लगे मत कहीं आ दुबई कहीं कारण आम देख मैडम हाँ आप कहे कौन झील मैंने आगे कौन किसी कम करना चाकरी बार करते जाऊँगी मैडम ठीक अच्छे, कि आम भाया महिला जो मैंने कि केवल खाली घर कौन मानने स्वामी स्त्री स्त्री और माँ हो रही जाते कि बहुत रही कि आमको जो परिचय दे माननीय मुख्यमंत्री मैंने बहुत कोटि कोटि धन्यवाद मैडम, आमको सी मैंने आगे बाहर कले मैं पदे कथ कहार योग्य ना कि आम कथार सब स्वामी को हाथ पढ़ाऊ पैसा दिव बोल कि रोजगार क्षम कर जन्मदिन बापमा कि कर्मदाता है आम माननीय मुख्यमंत्री आम कर्म दे रोजगार क्षम कर बर्तमान जो दुबई जावा कथ मैडम आप पचारे मैंने आश्चर्य तो ना स्वप्न भाव मत लगुच आ दुबई में कौन अच्छी मुझे जान ना मैडम, मुझे आगे बहुत थर जा मैंने गुजरात जाते गाई ट्रेनिंग गाई मुझे रखी गाई ट्रेनिंग मत गुजरात भी नहीं मुंबई जाइए कि बर्तमान दुबई जावा कथ मैडम आश्चर्य विश्वास लगुना गले मुझे जानवी जे कौन से अच्छी आसला निश्चित भाव मो माँ मान पुणी आज शिखेबी जे मैंने दुबई में कौन मुझे शिखिक आसली पुणी थोड़े शिखेबी मो माँ मैं जमी मैंने आगे बढ़े आगे बढ़े मैंने मोर जिले में समस्त बहुत मानते खुशी जिला प्रशासन
निहत भाव ज्योतिरेखा मैडम जो क्या कहते हैं बहुत खुशी अच्छा दुबई में कौन अच्छी से कथा जानी ना दुबई गला जानवे से कथा आसी आप गाँव में महिला मान सहित एक कहे कि आप कौन कौन देखे और कौन रिप्रेजेंट कले तो विशेष भाव में जो दुबई जी से कौन करने योजना रखुंट अर्थात ओडिशा को कमी आप रिप्रेजेंट करेंगे मिशन शक्ति सभानेत्री हिसाब से ओडिशा को आप रिप्रेजेंट करेंगे माने मु एति कहि मैडम आमर गोटे आदिवासी बहुल अंचल जो माने जिले कि माँ मैंने कथा कहवाक भी जाई ना मैडम माने पंद्रह षोह वर्ष झील मान को बाहर कर दे से जगार देखते मैडम मुझे जब यह स्थान में पहुंचे मैंने निश्चित भाव से कथा ही कहि जमर मान मुख्यमंत्री आम को आज कौ स्थान नहीं पहुंचाई से निश्चित भाव मुझे कहे मैडम आम आउ पछुआ है कि ना पाठ पढ़ू कि न पढ़ू मैडम हाँ पाठ पढ़ले जे से आगे जब से अलग कथा मैडम आज अनेक माँ मैंने अच्छा बड़ बड़ मैंने पायलट होती कि अगर कौन मैं बड़ बड़ पद अच्छा कि मैडम आम भाया माँ आज ये आगे जाऊँ मैंने से बहुत बड़ विषय मैडम निश्चित भाव मुझे दुबई गले माननीय मुख्यमंत्री विषय में कहबी आशार मैंने विषय कह मोर जो अच्छी मैडम कैफेटे आप देखे से कैफे में मैडम दुनिया मानते अं राज्य लोक आस खाइबापी जो ट्रक बाला आसे से खाएस मैडम पचारे कौन तुम एम चली तो मुझे कहली सर आम माननीय मुख्यमंत्री योजना यहाँ जे आम माँ मैंने गोटे होटेल चलाउ से विश्वास कर पा ना कहते आम राज्य में कौटी भी ना मैंने से निज मुह स्वीकार कर प्रकृत में तुम मानने इंडिया नंबर वन हूँ तुम मुख्यमंत्री जे कि माँ मान को सम्मान देखते आगे बढ़े कि आम राज्य में ना कौटे आम देखा पाइन कि तुम ओडिशा ही देखा पाऊ सब जिला सब ब्लक मानने कैंटीन मध्यम माँ मैंने काम कर स्वावलम्बी होती ओके तबे 2002 मध्यरे आपण 10 जण महिलांकु नै एहि स्वयं सहायक गोष्ठी आपण निर्माण करथिले 10 जण महिलारु वर्तमान समय रे सदस्य संख्या 3000 रे पहुंचुछि लंबा यात्रा आपणकर केमति रहितला एवं कोन कोन फेस करिसेंति केते स्ट्रगल आपण करछेंति केते संघर्ष करिसेंति एवं आज ए स्थान रे आपण पहुंचेछेंति हाँ मैडम सत कथा यहाँ मानने संघर्ष तो कह भी नहीं किंतु तथापि तो माँ मानक बुझे पड़ा से कहते कि एस एच ग्रुप पर कौन हम आम कहीं जीव खाली कथा कहले मीटिंग डाकिदेवे सभा ये डाकबे आमको हराण करेंगे तांकर घरे भी राजी होते एस एच ग्रुप मिसाइल कई राजी ना मैडम जो आम प्रथम प्रथम ग्रुप कलु अल्प कतरा माँ को लेकिन 10 जन माँ को लेकिन अल्प कतरा ग्रुप होता कि एवं जो मैंने देखे जे प्रत्येक डिपार्टमेंट सहित आम एस एच मैं जड़ित मानने कौटी भी आई जे आप माँ पाइबे ना से पीडीएस बंटन रे हौ कि छतु चाष रो धान मंड रो माछ चाष रो जहाँ भी आप देखे माँ मैंने ही कर देखे जिते बड़े एवं मैडम क्या बुझे पड़ूना जे मेसेज ग्रुप मिस बोल कि मैंने सब माँ मैंने एस एच ग्रुप आसवा आग्रह कि प्रथम मैडम बहुत कष्ट भी होता आप कहला भाया बुझेक पड़ा से मिसले कौन डा हम जे आम कौन मिले जे एपर भाव कहते कि बर्तमान से मैंने प्रश्नर उत्तर ना मैडम समस्ते बहुत खुशी मैंने ग्रुप मिसाप आग बढ़ाई आसुँच बिना सुधरे पैसा पाइले टंका नेले आम स्वामी को पूरा भरोसा ना मैडम आम दौ स्वामी को पैसा आम आ रोजगार करके आम दौ स्वामी को जे नि पे आमको मागुच्च पैसा माँ पैसा दि कि आगे कौन बापा हम भरोसा कि ना मैडम मैंने आम निजे भी मैंने रोजगार कर पार्लु आउ पिलापारू निजे भी मैंने निज इच्छार खर्च कर पार्लु स्वामी डिपेंडेंट थे बापा डिपेंडेंट थे स्वामी को पैसा मागुले खर्च करने कि बापा को पैसा मागुले कि वर्तमान समय सेल्फ इंडिपेंडेंट अच्छा निजे पैसा दौरान स्वामी को बढ़िया कथ कहे मैडम विशेष भाव में जो निजे इंडिपेंडेंट होती फाइनेंशियली निजको निजे कंट्रोल फाइनेंस करते हाथ पतवा पड़ूना से कौन लगुच नारी के आग को आज आसी मैंने बहुत गर्व लगुच मैडम बर्तमान कहल ना मैडम जे पाठ पढ़ी आगे गला से अलग जिनस मैडम आज बड़ बड़ चाकरी करे मैंने अफसर है किए कलेक्टर है पाठ पढ़ी कि आम भाई माँ मैंने मैंने पाठशाठ ना कि ना छोट बयस बाहर करदे तथापि आम आज रोजगारक्षम होचु से सब बड़ विषय मैडम आमको जो पैसा देते नवीन पटनायक मानव मुख्यमंत्री से मैंने बहुत मानने गर्व विषय मैडम सी आम मैंने बाहर काटा मैंने आश्चर्य कथ मुझे ना मैडम जे पाठ पढ़ला से आगे गला कौन एमती आम भारत नहाँ कि माँ मैंने बहुत आगे जाइंट बहुत चाकरी बाहर करते बहुत बड़ पैसा कमा कि आम भाया माँ जो रोजगारक्षम हो स्वामी को साय कर पिला सा बहुत बड़ विषय मैडम ओके ओके मैडम महिला स्वावलंबी केते दरकार आज का दिन में महिला जब स्वावलंबी न होती से पछुक चली जाऊँगी क्यों क्यों प्रकार निर्यातनार सामना करने पड़ी जो महिला स्वावलंबी होती या महिला को केते मात्रा रे फायदा दौर
କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଯଦି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନ ହେବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନ ହେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ଆପଣ ସେହି ଘର କଣ ରହିଗଲେ, ଆଜି ଶାଶୁ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିଲେ, କି ମାନେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାତ ପତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରିଲୁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିଲୁ, ତ ତାଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମୁଁ ତ କହିବି, ଆହୁରି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସବୁ ଆସି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଶନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ମାନେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମ୍ୟାମ୍ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ବିନା ମାନେ ନିଜ ପରିଚୟରେ କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ପରିଚୟ ତ ନାହିଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ, ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନିଜେ ଯଦି ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ସମୟ ଆସିସାରିଛି, ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦେ ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିରେଖା ଜେଟି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଦୁବାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି।